शुभ सकाळ इस विद्या कार्यक्रम को पिला माने तुमको स्वागत। आज आम अर्थनीति रो अर्थनीतिक विकास विषय पढ़िबा। अच्छा अर्थनीतिक विकास कहिले एटा गोटे बहु प्रचारित शब्द। अर्थनीतिक विकास कहिले अर्थ नैतिक अभिवृद्धि को ही बुझाई थाए। कौनसी अर्थनीतिक अभिवृद्धि द्वारा अर्थनीतिक विकास होता है। कौनसी देशर लोक मानकर आर्थिक अभिवृद्धि सहित सामाजिक सांस्कृतिक अभिवृद्धि को अर्थनीतिक अभिवृद्धि बोली कहा जाए। अर्थनीतिक विकास बोली कहा जाए था। कौनसी देशर लोक मानकर आर्थिक अभिवृद्धि सहित सामाजिक सांस्कृतिक अभिवृद्धि को अर्थनीतिक विकास बोली कहा जाए था। अर्थशास्त्री माने समस्त पृथ्वीर समस्त देश को दुई भागरे विभक्त करछन्ति। सेटा कोथरे ना गोटे हला विकसित देश आउ गोटे हला विकासोन्मुखी देश। गोटे हला विकसित देश आउ गोटे हला विकासोन्मुखी देश। विकसित देश कहा को कहा जाए ना जो देशर जनसंख्या नियंत्रित थाए ओ मुंड पिछा आय मध्य अधिक थाए। जो देशर जनसंख्या नियंत्रित थाए आउ मुंड पिछा आय अधिक थाए से देश को कहा जाए विकसित देश। से मानक जनसंख्या नियंत्रित जनसंख्या नियंत्रित थाए मुंड पिछा आय मध्य अधिक थाए से देश हला विकसित देश। विकसित देश कौ कौ गुड़ाक ना युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस। युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड आउ जापान एगुड़िक हूँ इंग्लैंड आउ जापान एगुड़िक हला विकसित देश। ए विकसित देशर लोक मानकर जीवन जापन चलनी बा जीवन जापन मान अति उन्नत धरणर एम जीवन जापन मान हला उन्नत धरणर। किंतु विकासोन्मुखी देश क्या कह जाए ना जो देशर जनसंख्या नियंत्रित न थाए जनसंख्या नियंत्रित न थाए आउ कौन होता है ना मुंड पिछा आय मध्य से मानकर कम थाए। एमाने संबल उपर एमानकर अत्यधिक चाप पड़ू थाए। जनसंख्या नियंत्रित न थाए संबल उपरे अत्यधिक चाप पड़े। एगुड़िक केउ केउ देश एगुड़िक हला केउ केउ देश ना भारत श्रीलंका भारत श्रीलंका आउ पाकिस्तान ओ बांग्लादेश। एगुड़िक भारत श्रीलंका पाकिस्तान आउ बांग्लादेश। अच्छा जो देशर जो विकासोन्मुखी देशर लोक मानकर जीवन जापन मान अति न्यून से मानकर आय मध्य बहुत कम से मैंने गरीब होतापर आम देखा अर्थनीतिक विकास एवं यार निरूपण। अर्थनीतिक विकास एवं यार निरूपण
अर्थनैतिक विकास एवं यार निरूपण। अर्थनैतिक विकास कहिले अभिवृद्धि को अर्थनैतिक अभिवृद्धि को ही बुझाई थाए। ए अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिले या द्वारा आमर कौन हुए ना अर्थनैतिक विकास संभवपर होई थाए। जातीय आय ओ मुंड पिछा आय को आधार भावे धारण करी अर्थनैतिक विकास निरूपण करा जाए थे। जातीय आय ओ मुंड पिछा आय को आधार भावे धरा जाए आमर विकास अर्थनैतिक विकास निरूपण करा जाए थाए। देशर वर्षक मध्यरे आमर उत्पादित द्रव्य वर्षक मध्यरे आम समुदाय उत्पादित द्रव्य ओ सेवार मूल्य मुद्रागत मूल्य से वर्षक मध्यरे उत्पादित द्रव्य ओ सेवार मुद्रागत मूल्य एवं ता सहित बाहर आसुथबा आयर समष्टि को मोट जातीय आय भाबरे मोट जातीय आय बोली कुहा जाय थाए। मोट जातीय आय को से देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले मोट जातीय आय को से देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले से देशर मुंड पिछा आय निरूपण होइथाय। बहु देशरे भारतर मोट जातीय आय सहित बहु देश समान होइथाय किंतु सेमानकर जनसंख्या कम थिबारु सेमानकर कोन होइथाय ना मुंड पिछा आयटा अधिक होइथाय। तांग जातीय आय भारत सहित तो समान किंतु तांकर जेहेतु लोकसंख्या कम थाए तेणु सेमानकर मुंड पिछा आयटा अधिक होइथाय। पृथ्वीर प्रत्येक देश जातीय आय ओ मुंड पिछा आय वृद्धि निमन्ते विभिन्न प्रकार अर्थनैतिक नीति प्रचलन करचंती। से अर्थनैतिक नीति गुड़िक कौन कौन ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहिले कौन बुझ ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रे साधारणतः देशर वृद्धि ओ शिल्पोद्योग गुड़िक घरोई बा व्यक्ति विशेषक मालिकाना रे थाए। ए सब लाभ पाइबार लक्ष्य रखिकी कार्य करिथांदी एटा हला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तापरे आसला समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था रे द्रव्य ओ सेवा उत्पादनकारी संस्था गुड़िक सरकारी उद्यम रे प्रतिष्ठित ओ परिचालित होइथाय। ए क्षेत्र रे लाभ पाइबा अपेक्षा जनकल्याण उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए। तापरे आसला मिश्र अर्थव्यवस्था। मिश्र अर्थव्यवस्था रे उभय घरोई ओ सरकारी मालिकाना रे उद्योग गुड़िक प्रतिष्ठित ओ परिचालित होइथाय। तापरे गला आमर मिश्र अर्थव्यवस्था एथरे आमे जानले विभिन्न अर्थव्यवस्था सम्बन्धे देखिया भारतर अर्थनीतिक विकासर परिमाण ओ प्रकार भेद। भारतर अर्थनीतिक विकासर परिमाण ओ प्रकार भेद। भारत एक विकासोन्मुखी देश अटे। यार जातीय आय ओ मुंड पिछा आय अन्य विकसित देश तुलन रे बहुत कम थाए। भारत स्वाधीनता पाइबा परे पंचवार्षिक योजना माध्यम रे कृषि क्षेत्र रे अधिक उत्पादन पाई आमर विभिन्न आत्मनिर्भरशील हेबा पाई विभिन्न प्रकार भू संस्कार आईन आमर प्रणयन करा जायतिला। से जो भू संस्कार आईन प्रणयन करा जायतिला ता धरे अछि जमीदारी उच्छेद। भू संस्कार आईन रे अछि जमीदारी उच्छेद आउ कौन ना भूमिहीन कृषि श्रमिक को सरकारी जमी प्रदान भूमिहीन कृषि श्रमिक को
सरकारी जमी प्रदान तबरे जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण आ कौन ना जलसेचन सुविधा प्रदान जलसेचन सुविधा प्रदान आउ उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग चाषी मानक बैंक ऋण प्रदान व्यवस्था एगुड़िक रही कौथे ना आमर भू संस्कार आईन रे एगुड़िक सब रही आसला आमर हाँ 1948 मसीहा पर ठारु 1948 मसीहा पर ठारु शिल्पर विकास निमन्ते आमर विभिन्न प्रकार शिल्प नीति प्रणयन करा जायछि सबुज विप्लव द्वारा भारत खाद्य शस्य उत्पादन रे आत्मनिर्भरशील होई पारिछि तापरे बैंक डाक रेल और बीमा आदि सेवा क्षेत्र परिसर मध्य वृद्धि पाई आउ एरो प्रभाव मध्य वृद्धि पाई तापरे आमर नूतन आर्थिक नीति तापरे आसला आमर नूतन आर्थिक नीति नूतन आर्थिक नीति रे 1991 मसीहा ठारु भारत नूतन आर्थिक नीति प्रवर्तन करछि एरो तीनी गोटी मुख्य वैशिष्ट्य अछि गोटे हला उदारीकरण उदारीकरण आउ गोटे हला घरोईकरण आउ गोटे हला जगतीकरण उदारीकरण घरोईकरण आउ जगतीकरण भारत मिश्र अर्थनीति व्यवस्था अनुसरण करिबा सहित उभय सरकारी ओ घरोई प्रतिष्ठान मध्यरे सहयोग स्थापन रक्षा करी आर्थिक प्रगति रे मिलीमिशी कार्य करूथला बा करिया पई मध्य व्यवस्था करथिला 1948 मसीहा रु 1990 मसीहा मध्यरे शिल्प क्षेत्र रे सुदृढ़ भित्तिभूमि स्थापन करने सहित वैज्ञानिक और शिल्पोद्योग क्षेत्र रे मध्य प्रभुत सफलता हासिल करिछि घरोई उद्योग क्षेत्र रे अतिमात्रा रे सरकारी नियंत्रण पड़ुथिबार बा सरकारी नियंत्रण रहुथिबारु आमर तार आशानुरूप सफलता मिलिपारि नथिला जाद्वारा कौन हला सरकारी उद्योग रे दक्षता कमिबा सहित क्षति मध्य वृद्धि होइथिला एपरी समय आसीथिला सरकार मध्य कौन कथिले से समय रे गच्छित सुनाकु आमर बैंक ऑफ लंडन रे ताकू बंधा रखी आनी देश चलेबाकु मध्य पड़ीथिला जातीय आयर वृद्धिर परिमाण से समय 0.8% थिला आउ या 0.8% को कमी आसला आ तार मुद्रास्फीति 12% को मध्य वृद्धि पाइथला मुद्रास्फीति 12% को वृद्धि पाइथला ए सबु कारणरु 1991 मसीहा रु आमर सरकार कौन कले नूतन आर्थिक नीति र प्रवर्तन करैथिले नूतन आर्थिक नीति रे प्रथमे आमर आसला उदारीकरण एही नीति अनुसरण रे शिल्प क्षेत्र रे आमदानी ओ रप्तानी पाई पूर्व प्रचलित आमर जहाँ सरकारी कटकणा सब थिला जथा लाइसेंस फ्री आउ टैक्स उच्छेद बा कोहल करिबा ए गुड़िक मध्य करा जायथिला आ बहुराष्ट्रीय कंपनी मानंकु मध्य विभिन्न प्रकार स्वाधीनता दिया जायथिला कौन से स्वाधीनता ना से माने केउ प्रकार पदार्थ उत्पादन करिवे केते परिमाण रे करिवे आउ
केउठारे करिवे सेई गुडीको तांकु सुविधा दिया जायथला। एबे पृथ्वीर प्रत्येक देशरे भल जिनिष बा दामी ब्रांडर जिनिष उत्पादन करा जाय परछि आउ समस्त जिनिष गुडीको समस्त देशरे मध्य उपलब्ध होई पारुछि। उदारीकरण नीति जोगुं एहा संभवपर होई पारिछि। एही नीति विश्व वाणिज्य संगठन समर्थन रे विश्व वाणिज्य संगठन समर्थन रे विभिन्न देश रे कार्यकारी करा जाय पारिछि। 2016 मसिया ठारु एही नीति पृथ्वी रे 164 टी देश रे पृथ्वीर 164 टी देश एहार सदस्य अछंती। को मसिया ठारु ना 2016 मसिया ठारु। ताहले तुम्हें मैंने आर्थनैतिक विकास रे उदारीकरण पर्यंत जानिल आउ यार परवर्ती श्रेणी रे आम अन्य विषय रे पुनी आलोचना करिबा। धन्यवाद।